हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं हूं आकांक्षा और मैं आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 7:30 का टाइम हो रहा है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या टाइम हो रहा है, बट यही टाइम हो रहा होगा। और मैं सबसे पहले किचन में आ गई हूँ। मेरा उठते के साथ काम है किचन में आ जाना और अपने लिए चाय बनाना। तो मैंने रात में गैस को क्लीन करके नहीं सोई थी, तो इसलिए मैं अभी सुबह सुबह गैस को क्लीन कर रही हूँ ताकि मैं अपने लिए चाय बना सकूँ, क्योंकि स्लैब बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो वैसे मैं चाय पीने का मन नहीं करता है। वैसे मैं रात में कोशिश करती हूँ करके सोऊं, बट जब टाइम नहीं मिलता है तो मैं छोड़ भी देती हूँ। बस ऐसे कपड़ा मार देती हूँ और ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो अभी मैं पूरा साफ़ कर लूँगी। तो गैस को साफ़ करने के लिए मैंने विम लिक्विड रखा हुआ है, तो विम लिक्विड में थोड़ा सा विम लिक्विड डालती हूँ और उसे स्कॉच से रगड़ करके साफ़ कर देती हूँ, ताकि जितनी भी उस पर लगी हुई रहती है सूखी हुई, वो सारी निकल जाती है। और उसके बाद मैं गीले कपड़े से उसे पोंछ देती हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से क्लीन हो जाए और बिल्कुल नया जैसा लगे। आप लोग क्या करते हो गैस को क्लीन करने के लिए, आप लोग ज़रूर बताना। मैं तो अलग से रखी हुई, क्योंकि जिस साबुन से हम लोग बर्तन धोते हैं उससे मैं इसे नहीं क्लीन करती हूँ, क्योंकि इसमें जूठा उठा सब लगता है, तो इसलिए मैं इसके लिए अलग रखी हुई हूँ। तो चलिए, ये मेरा हो गया है अब क्लीन। और इसका जो स्टैंड है उसे भी मैं क्लीन करके लगा देती हूँ अब। और अगर चीज़ें साफ सुथरी हो ना तो काम करने में भी मज़ा आता है, काम करने में भी मन लगता है। तो चलिए, और आज मेरे किचन में आपको इतनी ज़्यादा लाइट दिख रही है, बट कल से ये नहीं रहने वाली है, क्योंकि खेरी उस साइड दूसरे का मकान बनने वाला है, तो वो लोग अपना दीवार खड़ा कर रहे हैं, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। मेरा दोनों रूम भी अंधेरा हो जाएगा और ये भी अंधेरा हो जाएगा। तो चलिए, मेरी तो ये साफ़ हो गई है, आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करनी पड़ेगी। और अब मैं, मेरा क्लीनिंग का काम ख़त्म हो चुका है और अब मैं बना लूँगी अपने लिए चाय। तो ये दूध आ चुका है सवेरे, एक्चुअली 8:30 के करीब दूध आ जाता है। तो गाय वाला दूध मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है, क्योंकि गाय वाला दूध कान्हा को पिलाने के काम आता है और ये भैंस का दूध है। तो 1 लीटर मैं भैंस का लेती हूँ ताकि उसे चाय वगैरह बन सके। तो उसे भी मैं बॉयल करूँगी, बट बाद में करूँगी, पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। तो मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और चाय बना करके मैं रखूँगी और फिर दूध को भी बॉयल कर लेना है। और चीनी मैंने ऊपर डब्बा देखा तो मुझे मिला नहीं, इसलिए मुझे चीनी नीचे से निकालना पड़ा, क्योंकि डब्बा मिला ही नहीं है। और नीचे से ही मैंने निकाल के चाय बना लिया। कान्हा भी उठ गया है और इसी उठने के बाद ना लटक जाता है गोद में, तो उसे मैं बस हिला रही हूँ कि उठ जा उठ जा। मैं उसको बोल रही हूँ, बहुत पैम्पर कर रही हूँ उसको। बच्चों को पैम्पर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट सुबह के टाइम में बच्चों को पैम्पर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी मैं इसको रख करके आऊँगी, क्योंकि मुझे चाय बनाने में दिक्कत हो जाएगी। तो बस मैं फ्लेम को कम करूँगी और इसको जाऊँगी रखने के लिए, ताकि मैं काम कर सकूँ। तो उसे मैं रख करके आ गई हूँ। अब मैं इसमें चीनी चाय पत्ती डाल करके और फिर बस चाय का काम हो जाएगा मेरा ख़त्म। मैं बैठ करके चाय पीऊँगी। और काम अभी बहुत ज़्यादा है, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें अभी बाकी है, उन सब चीज़ों को करना है। तो और उससे पहले मुझे अपने फेस को क्लीन करना है। और मैं रोज़ सुबह में अपने फेस को क्लीन करने के लिए सबसे पहले मैं अपने फेस को गीला कर लेती हूँ, और उस पर थोड़ा सा बेसन, मैं सूखा बेसन हाथ के ऊपर लेती हूँ, उस पर थोड़ा सा पानी मिला करके उसको गीला कर लेती हूँ, अपने फेस के ऊपर रब कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि फेस बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो मैं रोज़ सुबह में यही करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि फेस ड्राई हो जाता है, ऐसा मैं करके पानी से अभी मैं वॉश कर लूँगी। और पानी से वॉश करने के बाद दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो चलिए, मेरा फेस हो चुका है क्लीन, मैं इस पानी से पहले धो लेती हूँ और तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। तो देखिए, ये उठ गया है, पूरी तरीके से आ गया है और मेरा फेस हो गया है क्लीन। तो देखिए, क्लीन लग रहा है ना। तो फिर मैं इसे टॉवल से टैप टैप करके पोंछ लूँगी। और उसके बाद मेरे पास है ये गुड वाइब्स का कोकोनट ऑयल, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पैरासूट का या कोई भी और प्रोडक्ट आप अपने फेस पे ऑयल का नहीं लगा सकते हैं। तो मैंने गुड वाइब्स का एक्स्ट्रा वर्जिन लिया है और उसे मैं अपने फेस के ऊपर लगा रही हूँ, और उसके बाद आगे का काम शुरू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:30 का, और मैं जब उठी थी तो मैंने आप लोगों ने देखा, मैंने दूध वगैरह बॉयल किया और उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद आप लोगों से मिल रही हूँ, क्योंकि 1 घंटे के मैंने 1 घंटे में मैंने क्या क्या किया वो मैं आपको बता देती हूँ। 1 घंटे में मैंने किया कि दोनों रूम के बेड मैंने ठीक किए, हॉल के बेड ठीक किए, बट फिर भी कान्हा ने उठ के फिर से उसको बिगाड़ दिया। और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया सारा, मतलब थोड़ा बहुत सामान अभी इधर उधर बिखरा पड़ा है तो वो नाश्ता बनाने के बाद मैं समेटूंगी। और बेसिक जो होता है झाड़ू पोछा वो मैंने कर लिया है, क्योंकि नहाने के पहले कर लो तो सही रहता है, नहाने के बाद ये काम मुझसे होता नहीं है, इसलिए मैं नहाने के पहले करती हूँ। और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, मैंने चाय भी बनाई थी अपनी, वो भी पी ली है और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो नहा के आऊँगी तो नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि मतलब कि यहाँ पे ऐसा है ना कि बिना नहाए आप नाश्ता नहीं बना सकते हो, इसलिए मुझे जल्दी नहाना पड़ता है, काम हो या ना हो बट नहाना जल्दी पड़ता है, क्योंकि नाश्ता तो बनाना ही बनाना है। तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ नहाने के लिए और मैं मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। और मैं आपको एक बार अपना पूरा घर दिखा देती हूँ कि मैंने काफ़ी हद तक अपने घर को क्लीन कर लिया है। सोफा वगैरह तो क्लीन ही था और ये बेड, मेरा किचन देख लिया आपने, कान्हा देखिए क्या कर रहे हो, कान्हा और अब मैं दिखा देती हूँ अपना रूम, बस मशीन का कवर लगाना बाकी रह गया है और ये रहा, बस ये दो टॉवल रह गए हैं बाहर सूखने डालने के लिए। बस मेरा ऑलमोस्ट लगभग काम ख़त्म हो चुका है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद नाश्ता वगैरह का प्रिपरेशन करके जिसे करना हुआ कर लेंगे, नहीं करना हुआ तो फिर मैं जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर रह गया है उसे मैं समेट लूँगी। तो चलिए नहा के आती हूँ फिर। चलिए तो मैं आ गई हूँ नहा करके अब, और अब मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैं देखती हूँ कि नाश्ते में क्या बनाना है, कुछ समझ में नहीं आता, सुबह डेली का यही, सुबह क्या बनाना, दोपहर क्या बनाना, शाम क्या बनाना, डेली का यही रहता है। फ्रिज में अभी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कद्दू दिख रहा है थोड़ा सा, और फ्रिज में घ्यूरा दो चार दिख रहे हैं, सब्जी अभी कुछ है नहीं, टमाटर है, खीरा है, शिमला मिर्च है, यस तो मैं शिमला मिर्च और आलू की सब्जी बना लेती हूँ, शिमला मिर्च, परवल भी है। चलो हो गया काम, दोपहर में कद्दू बन जाएंगे, कद्दू के कोफ्ते, अभी मैं शिमला मिर्च बना लेती हूँ और रात में आलू परवल, तीनों टाइम का मैंने सोच लिया है बोली क्या बनाना है। तो चलिए सबसे पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ। सुबह का टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा हैट्रिक भरा होता है, सुबह में किसी के पास भी उतना टाइम नहीं होता है कि बैठ करके बात कर सके, बट आलू आ जा भाई, निकल जा तो, ओहो एक आलू सड़े हुए देखो, छी रखे रखे सड़ जाते हैं, पता नहीं कैसे सड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता रखे रखे कैसे सड़ जाते, जबकि काफी टाइम हुआ नहीं है लाए हुए, बस कल ही आया है और फिर भी सड़ गया आज। चलिए तो आलू मैं ले लेती हूँ और अब मैं फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। हेलो, काफ़ी टाइम के बाद, मतलब मैं सुबह में आपसे कब मैंने बात की थी, 9:30 के करीब मैंने आपसे बात की थी, उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ और अभी शाम के 6 बज रहे हैं, मतलब कि 8-9 घंटे हो गए। मैं दिन भर कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि घर में लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, मैंने सोचा था कि आज सुबह का ब्लॉग मैं दोपहर तक ख़त्म कर दूंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ आप सोचते हो ना वो चीज़ हो नहीं पाता है। मैंने सोचा था कि दोपहर तक ख़त्म कर दूंगी और अपलोड भी कर दूंगी, बट ब्लॉग ही नहीं बन पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा आना जाना लगा हुआ था किसी काम की वजह से, कोई काम मतलब होता है ना तो बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा हुआ था, सारा दिन उसी में निकल गया और अभी जाकर मैं फ्री हूँ थोड़ा सा, और उसी बीच में खाना भी बनाना था और आज मम्मी का व्रत भी था, 11 था तो मम्मी के लिए अलग से बनाना था, तो आज पूरा दिन मतलब कहते हैं ना पूरा पैक डे वो था आज मेरे लिए, और अभी जाकर के थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। दोपहर में मैंने कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ रोटी बनाया था, सुबह की सब्जी वही आलू शिमला मिर्च मैंने बनाई थी तो वो सब्जी बची हुई थी, उसके साथ रोटी का काम निकल गया, बाकी पूरा दिन यही सब चला। और शाम को फिर मम्मी को
4 बजे के आसपास मैंने मम्मी को पकौड़ी बना के और दी, और हम लोगों ने भी वही पकौड़ी चाय के साथ खा ली शाम में। और अभी के लिए मैं बना चुकी हूँ आलू परवल की बहुत अच्छी सी सब्जी बनाई हूँ मैं, और रोटी बनाऊंगी। रोटी अभी बनाई नहीं है, बस आटा लगा के रखा हुआ है, जैसे ही कोई खाएगा तो रोटी बन जाएगी। और सब्जी बना के रख दी है मैंने, और क्योंकि मंदिर हम लोगों को रोज़ जाना होता है रात में, तो हम लोग पैदल मंदिर जाते हैं, तो खाना पीना का काम ख़त्म करके सारा काम निपटा करके फिर उसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं, तो इसके लिए फिर हम लोगों को रेडी किया, बस ऐसे जाना है, काम सारा निपटा के जाना है। और ये जो आप दुपट्टा देख रहे हो ना, तो ये दुपट्टा बस ऐसे ही है, मतलब ऐसे ही मैंने खरीद ली थी 100 रुपए में, और ये किसी के साथ भी चल जाता है, मतलब हर किसी पे ले लो, कोई वो नहीं है, और पूजा पाठ वगैरह में ये दुपट्टा बहुत अच्छे से चल जाता है, तो इसलिए मैंने ली थी। और मैं कोई भी सूट पहन लूँ और दुपट्टा मैं कुछ भी बस यही ले लेती हूँ, साड़ों पर मैं यही ले लेती हूँ, ऐसा नहीं कि मैच करके ही पहनना है, कभी भी नहीं, मतलब जैसे होता है ना ये टंगा रहता है, जब नहीं मिला तो चलो यही ओढ़ लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। इसके साथ का ये दुपट्टा नहीं है, मैं दिखा दूँ, इसके साथ का नहीं है, अलग से है, और ऐसा एक सेम रेड कलर का, ये रेड और येलो है ना, हाँ एक रेड कलर का इसका अलग से मेरे पास है, वो भी मैंने 100 रुपए में खरीदी थी, कब, जब मैं पदयात्रा के लिए जा रही थी ना सूरजगढ़ निशान में, तो मैंने खरीदी थी ओढ़ने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा लगती थी उस टाइम, मैंने खरीदी थी, वो भी मेरे पास रखी हुई है। और मेरे आईब्रो काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए मतलब कहते हैं ना क्रूर सिंह वाले आईब्रो हो रखे मेरे, बट बनवाने का टाइम नहीं मिल रहा है, भाभी को फ़ोन करना पड़ेगा, भाभी घर आके बना देती हैं, लेकिन ये है ना कि कहीं जाना नहीं होता है, इसलिए मैं आईब्रो बनवाती नहीं हूँ, जब कहीं जाना हुआ था अचानक से मैं भाभी को फ़ोन करती हूँ, भाभी आईब्रो बनवानी है, तो आके बना देती हूँ, और अभी कहीं जाना नहीं है इसलिए बनवा भी नहीं रहे हो, याद भी नहीं आ रहा है, तो लेकिन जब मैं आईना देखती हूँ तब मुझे लगता है अरे कितने बड़े हो गए, लेकिन फिर उसके बाद भूल जाती हूँ मैं, मेरा यही है, बस देखा तो याद है कितने बड़े बनवाने हैं, फिर बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सब चल रहा है अभी, नाश्ता खाना तो मेरा बन के रखा हुआ है, और कान्हा की तबीयत कल से थोड़ी ठीक लग रही, 3-4 दिन तो बीच में इतना परेशान किया कि मैं आपको बता नहीं सकती, कल से थोड़ा ठीक हुआ है, तो कल से मैंने मेडिसिन देना बंद किया था। एक्चुअली हो क्या गया था ना, इतना हार्ड दवाई था कि उसकी वजह से उसके मुँह के अंदर छाले हो गए थे, जिस वजह से कुछ भी खा पी नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा उसको दर्द होता था, बहुत ज़्यादा वो रोता था चिल्लाता था, और कल से थोड़ा ठीक है, वो दूध वगैरह पी रहा है, पहले तो दूध भी पीना छोड़ दिया था उसने, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए ना तो सबका मूड ऑफ हो जाता है, तो इस वजह से। और आप लोग कैसे हो जरूर बताना, मैंने अपना गाना शुरू कर दिया बट आप लोगों का तो पूछा ही नहीं कि आप लोग कैसे हो, तो जरूर बताना। माही मिश्रा लगता है वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बनने वाली हैं, वो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, उनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उनके कमेंट को मैं लाइक जरूर करती हूँ, और उनके कमेंट को रिप्लाई भी करती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। तो माही मिश्रा अगर आप देख रही हैं तो थैंक यू, मैं फिर से एक बार बोल देती हूँ, ऐसे मैंने मैसेज कर दिया था बट मैं अभी बोल देती हूँ। वैसे मुझे 1-2 लोगों के कमेंट आते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हें रिप्लाई भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, कर देती हूँ जब मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट से देखती हूँ, जल्दी देख नहीं पाती हूँ, तो मैं जब भी देखती हूँ उन्हें रिप्लाई ज़रूर कर देती हूँ। और बस कुछ नहीं, बस जाना है अभी, खाना पीना खाना है, खाना खा के मंदिर जाना है, तो मैं आज आप लोगों को पक्का, उस दिन मैंने नहीं ले गई थी ना आप लोगों को, तो आज मैं ज़रूर आप लोगों को मंदिर लेके जाऊंगी, अगर लाइट हुआ तब तो प्रॉपर दिख जाएगा, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ब्राइटनेस बढ़ा के देख लेना और कोई बात नहीं, लेकिन दिखाऊंगी ज़रूर, क्योंकि हम लोग वहाँ पे रोज़ जाते हैं, खाना खाने के बाद घूमना भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाते हैं, तो मैं आपको लेकर के दिन में कभी जाने का मौका मिला तो दिन में भी दिखा दूंगी, बट अभी रात में ज़रूर दिखाऊंगी। अब थोड़ा सा डार्क आ सकता है क्योंकि वहाँ लाइट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, लाइट थोड़ा कम है, इन्वर्टर नहीं है, तो इसलिए लाइट जब चली जाती है तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाता है, तो थोड़ा सा ब्राइटनेस अपने मोबाइल का बढ़ा के फिर देख लेना आप लोग। तो चलिए फिर खाना पीना खाते हैं। ये है काली मंदिर, मैं और कान्हा काली मंदिर आ गई हूँ घूमने के लिए, तो ये है, वो लोग पीछे रह गए थे, बाद में आएंगे वो लोग, तो हम दोनों फ्लैश लाइट चलाने के बाद भी ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रहा है, इसलिए ऑफ़ कर देती हूँ। तो आपको दिख रहा होगा आगे लिखा है श्री श्री 108 मनोकामना सिद्धि काली मंदिर, तो सच में ये सिद्धि पीठ है,
और आगे मैं आपको गेट नहीं दिखा पाई हूँ, मेन गेट इसका बाद में दिखाऊंगी। बहुत बड़ा आगे में प्रांगण है, उसके बाद घोसले के साथ ये जो काली माँ की मूर्ति है ये आपको जस्ट सामने नज़र आएगी। जो सिद्धि काली माँ है वो पीछे हैं, उनकी प्रतिमा पीछे है, तो पहले मैं ये आपको दिखा देती हूँ। ये है मंदिर और ये हैं काली माँ, और इसके जस्ट बगल में ही, सामने में ही आगे कह लीजिए, तो वहाँ हवन होता है और बाबा जी अभी हवन कर रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए ये हवन हो रहा है और यहाँ के पुजारी यहीं हैं। और चलिए, इसके बगल से रास्ता गया है पीछे जाने के लिए, तो अब हम लोग पीछे चलते हैं। जो सिद्धि काली माँ है उनको देख लेते हैं। तो ये एक बीच में बहुत विशाल सा मतलब पीपल का पेड़ है, और ये पूरा प्रांगण है इस मंदिर के पीछे का, और ये एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है, इसमें काली जी की प्रतिमा है। आपको दिख नहीं रहा लाइट, एक्चुअली उसमें एक बल्ब लगी हुई जिस वजह से ठीक से क्लियर आ नहीं रहा है। मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की, तो आई थिंक अब दिख रहा होगा। ये हैं काली माँ, और ये मंदिर बहुत ही छोटा है, बिल्कुल देख लीजिए आपको पता चल जाएगा बहुत ही छोटा है। और इसके पीछे जो आपको दिख रहा होगा ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से हम लोग अभी, ये पीपल का पेड़ है और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे ऊपर। ये पीछे मंदिर के पीछे का है, यहाँ रेसिडेंशियल मतलब पुजारी और मंदिर का भोग वगैरह जो होता है प्रसाद वो बनता है। और यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे, ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर ये तो सबसे आगे आगे चलता रहता है। ऊपर सी कमला माँ जो है, कमला नदी जो जाती है, तो कमला माँ जो है उनकी प्रतिमा बनी हुई है और उनकी भी पूजा होती है। तो ये मंदिर ऊपर पे बनी हुई है, ये मूर्ति भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जूम करके मैं दिखा रही हूँ। तो ये कमला माँ है, तो इनकी भी अच्छी मंदिर बनी हुई है। जस्ट ऊपर पे सीढ़ियों से ऊपर आना पड़ता है, और ऊपर भी काफ़ी सारा स्पेस है बैठने के लिए। यहाँ पर हवा इतनी अच्छी आती है कि आप पूछ नहीं सकते, और मंदिर के ऊपर से व्यू मंदिर का ऐसा दिखता है कुछ लोकेशन। और इसके जस्ट साइड में पीछे में कमला नदी आती है, कमला नदी बहती है यहाँ से। तो अभी रात है, रात की वजह से एक्चुअली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अभी हम लोग कहाँ आए हैं, मंदिर, कौन से मंदिर, काली मंदिर। तो अभी हम लोग आए हैं काली मंदिर, मैं और कान्हा आ गई हूँ, वो लोग पीछे से आएंगे, क्योंकि आरती यहाँ पर बहुत लेट होती है। बहुत लेट मतलब कि आरती यहाँ पर 9:30-9:10 के आसपास होती है, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए हैं। शाम में ही 8:30 का टाइम हो रहा होगा और हम लोग जाके खाना पीना करेंगे। कान्हा जिद करने लग गया था कि चलो चलो चलो, तो मैं आ गई इसे लेकर के, और है ना कान्हा। पीछे मेरे पीपल का पेड़ है, बहुत विशाल पेड़ है। हाँ क्या बोलो, तब तक खर्चू भी आ जाएगा। हाँ तब तक इसका दोस्त भी आ जाएगा, यहाँ पे अपने दोस्त का वेट कर रहा है और वो आने वाला नहीं है, है ना गाना। आएगा लेकिन हम लोग तो अभी चले जाएंगे। ओहो, अभी नहीं जाएंगे। क्यों? खर्चू लेके जाएंगे आप। हाँ ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पे 1 घंटे बैठेंगे, है ना। क्या तो पीछे कमला नदी है, अभी अंधेरा है इसलिए आपको कुछ नहीं दिखेगा। क्या बोलो, हरसू इसको लस्सी पिलाएगा। पीछे कमला नदी है जो कि बहुत ज्यादा अभी अंधेरा है जिस वजह से आपको दिख नहीं पाएगा, बट पीछे पूरा कमला नदी गई हुई है। काना ऐसे हल्ला नहीं करते, चिल्लाते नहीं रात में, नहीं चिल्लाते। चलो उधर उधर चलो मम्मा। तो अभी हम लोग यहाँ पर 1/2 घंटा 1 घंटा बैठेंगे, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। अब वीडियो में हमको बोल ले रहा, ठीक है इधर से बोलो, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। कल हल्चू को आपको पकड़ लिया था। अच्छा बड़ा वाला। तो अभी हम लोग मंदिर में बैठे हुए हैं, और अभी मैं 1/2 घंटे बैठने वाली हूँ, अभी मैं घर नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ बैठ के ना बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत अच्छा लगता है। मतलब बैठ के ना, अगर दिन भर का थका हारा आदमी अगर यहाँ के बैठ जाए ना, तो उसके मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। तो मैं भी 1/2 घंटा यहाँ पे बैठने वाली हूँ।
हाँ बहुत शांति मिलता है। तो मैं यहाँ बैठने वाली हूँ अभी, और मैं ऊपर पे आके शांति से बैठी हुई हूँ, और अभी आरती होगी, एक घंटे बाद होगी। तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि मैं आपको काली मंदिर देखो छिपकली छिपकली हाँ इसको छिपकली दिख गया वहाँ पे, कहता है देखो छिपकली। तो मैं पहले भी आपको बोली थी कि मैं आपको काली मंदिर दिखाऊंगी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको नहीं दिखा पाई। तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मतलब मुझे बहुत बुरा फील हुआ था कि मैं बोल के नहीं कर पाई। तो इस बार फाइनली मैंने आपको दिखा दिया कि मैं रोज़ कहाँ आती हूँ घूमने के लिए। सो मैं आज सोच रही हूँ कि यहीं से मैं अपना ब्लॉग को ख़त्म करूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उसे प्रेस करिए, और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये भी आ गए हैं लास्ट में, क्योंकि मुझे अकेले आते देखा तो ये पीछे पीछे आ गए। और ये है मंदिर का प्रांगण, जो काफ़ी बड़ा है, और मेन गेट आपको दिख रहा है वो है, और दोनों साइड से फूल वगैरह लगे हुए हैं, क्यारी वगैरह लगी हुई है। और ये है मेन गेट, आप देख लीजिए ठीक से, ये इसका मेन गेट है, बहुत बड़ा मंदिर है। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।